नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका किसान भारती YouTube चैनल में। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि अगर आप भेड़ बकरियों को खरीदने के सोच रहे हैं तो उनके चयन की विधि और विभिन्न अवस्थाओं में उनके लिए आहार बनाने की पूरी विधि। किसान भाइयों, भेड़ व बकरी पालन का व्यवसाय समाज के भूमिहीन, बेरोजगार नवयुवकों के लिए आमदनी का एक अच्छा साधन है, क्योंकि इस व्यवसाय में लागत कम और आमदनी अधिक है। भेड़ व बकरियों के लिए चारागाह का होना अत्यंत आवश्यक है। भेड़ बकरियां रोमांसिक पशु वर्ग में आती हैं, जिसके तहत पशु मोटे चारे से ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। बकरियों के चरने की विधि को ब्राउजिंग कहते हैं, क्योंकि बकरियां धरती से थोड़ा ऊपर की वनस्पति तथा पेड़ के पत्तों को खाना अधिक पसंद करती हैं। भेड़ों के चरने की विधि को ग्रेजिंग कहते हैं, जिसकी वजह से ये छोटी घास को भी खा सकते हैं। पशुओं के चयन की विधियां, प्रारूप अथवा बाह्य रचना, यह पशुओं के चुनने की परंपरागत रीति है, जिसमें एक नर आधे रेवड़ के बराबर होता है, क्योंकि निकृष्ट नर रेवड़ के गुणों की गिरावट का कारण होता है। इसके विपरीत एक पूर्ण सक्षम नर अनुवांशिकीय वृद्धि की योग्यता रखता है। चयन करते समय पशुओं के शरीर के विभिन्न अंगों का ज्ञान होना अनिवार्य है। नरों का चयन, जो नर प्रजनन के लिए रखना हो वह आकर्षक, स्वस्थ, प्रभावशाली, उत्तेजक, उपजाऊ और मर्दानी ढील-ढाल का होना चाहिए। नर की गर्दन ऊंची हो तथा सभी नस्ली नस्लों से संपन्न होना चाहिए। मादाओं का चयन, लगातार प्रजनन और जुड़वा मेमने या छाग देने वाली हो। मादा अच्छा दूध पिलाने वाली हो, ताकि मेमनों का वजन 6 महीने पर अच्छा हो तथा दीर्घ प्रजनन आयु वाली हो। किसान भाइयों, बात करेंगे विभिन्न शरीर के अंगों का ब्यौरेवार वर्णन। बड़ी चमकीली एवं नम आंखें पशु के स्वस्थ होने का प्रमाण होती है। चैड़ा कपोल व थूथुन होना चाहिए तथा दृढ़ जबड़ा, जो कि पशु के चरने की क्षमता को प्रकट करता है। लंबी एवं मजबूत गर्दन तथा मजबूत कंधे होने चाहिए। कंधे रीढ़ की हड्डी के समांतर होने चाहिए। मजबूत और सीधी पीठ शरीर के अंगों की उत्तम रचना दर्शाती है। पीठ व कमर समतल हो और यदि पीठ में झुकाव हो तो यह शारीरिक दोष माना जाता है। भरे हुए चैड़े पुट्ठों वाला पशु अधिक मांस वाला होता है और यह उत्पादन भी अच्छा करेगा। छोटा व भरा हुआ वच अधिक उत्पादन में सहायक होता है। गहरा और चौड़ा पेट अधिक भोजन ग्रहण करने की क्षमता दर्शाता है। पसलियां पेट को गोल आकार देती हैं, जबकि चपटी पसलियों वाले पशु को पेटू आकार दोष वाला माना जाता है। पशु अपने चारों पांव पर समान रूप से खड़ा होना चाहिए तथा नर के आगे व मादा के पीछे के पैर मजबूत होने चाहिए। पशुओं में एक बड़ा अयन अधिक क्षमता का प्रदर्शन करता है। अयन का मुलायम तथा गांठ रहित होना पशुओं के स्वस्थ होने का प्रतीक है। अयन पर समान लंबाई वाले थन हो तथा दोनों थनों के रंध खुले होने हुए चाहिए। त्वचा मुलायम व ढीली हो पर शुष्क ना हो। भेड़ के शरीर पर ऊन की चमक विशिष्ट होनी चाहिए। अधिक लंबाई अधिकतम उत्पादन को दर्शाती है, क्योंकि बड़े आकार के पशु की चारा दाना खाने की क्षमता अधिक होगी और उनकी शारीरिक वृद्धि जल्दी होगी। किसान भाइयों, ऊपर दी गई बातों के अतिरिक्त चयन के समय पशु प्रजनन को पशु के नस्लीय गुणों की सत्यता, स्वास्थ्यता, उम्र, ब्यात संख्या आदि की जानकारी रखना अनिवार्य है। वंशावली के आधार पर चयन करने से आनुवांशिक दोषों का भी पता लगाया जा सकता है। इसके आधार पर वही नर चुने जो ऐसी मादाओं से पैदा हुए हों जिनकी वंशावली अधिक मांस उत्पादन करने में प्रसिद्ध हो, तथा साथ साथ मादा की स्वयं की शारीरिक वृद्धि भी उत्तम होनी चाहिए। किसान भाइयों, भेड़ बकरियों में आहार की आवश्यकता निर्वाह तथा उत्पादन हेतु होती है। पशु के आहार ग्रहण का एक भाग स्वस्थ शरीर पर खर्चा होता है, जिसे निर्वाह आहार कहते हैं। गाय भैंस के मुकाबले में भेड़ बकरियों का प्रति शरीर इकाई ज्यादा होता है, क्योंकि इनको प्रतिदिन चराई के लिए 8 से 10 किलोमीटर चलना पड़ता है। जीवन निर्वाह के लिए प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार के लिए 1 किलोग्राम पाच्य पोषक तत्व एवं 45 से 65 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है।
जीवन निर्वाह हेतु पोषक तत्वों की आवश्यकता के अतिरिक्त शरीर वृद्धि उत्पादन या कार्य हेतु जितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वह उत्पादन आहार कहलाता है। दूध वाली भेड़ बकरियों को शरीर निर्वाह हेतु पोषक तत्वों के अलावा दूध उत्पादन के लिए भी पोषक तत्व उपलब्ध करवाना चाहिए। दूध उत्पादन के लिए ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम तथा फास्फोरस की आवश्यकता होती है। इस दौरान बरसीन तथा लूसर्न जैसे फलीदार हरे चारे और गेहूं का चोकर अवश्य देना चाहिए। दोष उत्पादन के अतिरिक्त शरीर वृद्धि हेतु भी प्रोटीन तथा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, भेड़ बकरियों को आहार देने के कुछ मूल नियम निम्नलिखित हैं। भेड़ बकरियों को 8 से 9 घंटे की चराई के अलावा कुछ दाना भी देना जरूरी होता है। चारे का प्रकार एकदम से नहीं बदलना चाहिए। दाना पहले खिलने के बाद ही सूखा तथा हरा देना चाहिए। आहार में सूखे चारे, हरे चारे एवं दाना मिश्रण का समावेश होना चाहिए ताकि आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में पशु को मिल सके। आहार में नमक तथा खनिज मिश्रण अवश्य सम्मिलित करना चाहिए। नमक देने से बदहजमी की शिकायत नहीं होती, वह आहार स्वादिष्ट बन जाता है। खनिज मिश्रण शरीर की कैल्शियम, फास्फोरस तथा अन्य खनिज तत्वों की कमी को पूरा करता है। अब बात करते हैं विभिन्न आयु वर्ग के पशुओं का आहार बनाना। चराई से भेड़ बकरियों को आहार मिलता है, परंतु इन चारागाहों से संतुलित आहार नहीं मिलता। भेड़ बकरियों का लाभकारी उत्पादन करने के लिए तथा उनका स्वास्थ्य ठीक बनाए रखने के लिए संतुलित आहार उपलब्ध करवाना बहुत जरूरी है। अतः विभिन्न पोषक तत्वों का समावेश एवं सस्ते आहार तत्वों का चयन करके आहार को संपूर्ण बनाना चाहिए। आयु अनुसार भेड़ बकरियों की आहार व्यवस्था इस प्रकार है। मेमनों का आहार क्या होना चाहिए? पैदा होने के 1-2 घंटे के अंदर खीस पिलाना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि खीस में जीवाणु रोधक तत्व अत्यधिक मात्रा में होते हैं जो मेमनों तथा लैलों की बीमारी से बचाते हैं। खीस बच्चों के पेट से मल बाहर निकालने में भी सहायक होता है। पहले 3 दिन तक नवजात को दिन में 3 बार खीस अवश्य पिलानी चाहिए। 2 सप्ताह तक मेमनों या लैलों को 250 ग्राम प्रतिदिन दूध पिलाना चाहिए। 2 सप्ताह के बाद चारा तथा दाना देना शुरू कर देना चाहिए। दाना मिश्रण बनाने में मक्का के 30 भाग, गेहूं की चोकर 27 भाग, मूंगफली की खल के 40 भाग तथा खनिज लवण के 3 भाग प्रयोग कर सकते हैं। चारे में लूसन, बरसीम, लोबिया व पेड़ों के पत्ते को दे सकते हैं। 3 महीनों बाद मेमनों को पेट भर हरा चारा देना चाहिए। बात करते हैं 1 वर्ष के मेमनों की आहार क्या होनी चाहिए। व्यवस्था 7 से 8 घंटे की चराई के साथ साथ 250 ग्राम देना। 1 वर्ष के मेमनों के लिए 7 से 8 घंटे की चराई के साथ साथ 250 ग्राम दाना देना भी आवश्यक है। शाम को बरसीम, हे, चने या ग्वार का चारा डालना चाहिए ताकि 15 माह की आयु तक नर वयस्क तथा मादा गर्भधारण करने के लायक वजन प्राप्त कर सके। गाभिन भेड़ बकरी की आहार व्यवस्था क्या होनी चाहिए? गर्भावस्था में जीवन निर्वाह के अतिरिक्त गर्भ में बच्चे के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इस समय तक अधिक ऊर्जावान आहार जैसे जौ, मक्का, जई उपलब्ध करवाना चाहिए। ब्याने के कुछ दिन पहले खाने में दाने की मात्रा को कम कर देना चाहिए। ब्याने के बाद हल्का और दस्तावर दाना व चारा देना चाहिए। कुछ दिनों बाद दाने की मात्रा धीरे धीरे करके बढ़ानी चाहिए। बात करते हैं दुधारू भेड़ बकरी का आहार कैसा होना चाहिए। दुधारू पशुओं को उत्पादन तथा निर्वाह आहार देना चाहिए, क्योंकि आहार पर ही दुधारू पशु का दूध उत्पादन निर्भर करता है। दूध उत्पादन पर ही नवजात का स्वास्थ्य एवं वृद्धि निर्भर करती है। निष्कर्ष: भेड़ बकरियों का सही चयन करके युवा मांस उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। सही चयन के साथ साथ खान पान का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। सही चारे एवं दाने का प्रयोग करके भेड़ बकरियों को रोग मुक्त रख सकते हैं, जिसमें भेड़ बकरी पालन अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है। किसान भाइयों, अगर आपके पास वीडियो से संबंधित कोई सवाल या कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप अगर किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, हम ज़रूर ही उस वीडियो को बनाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो को आप सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य किसान भाइयों तक साझा करें, जिनसे कि ज़्यादातर लोग भेड़ बकरी के पालन में अपना कैरियर बना सकें।
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।